हाँ जी, वेलकम टू कॉमर्स मंत्रास। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट को डिटेल में समझते हैं कि इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कैश फ्लो कैसे बनता है। इसलिए मैंने लिखा भी है आप लोगों के साथ कि आज हम जो करेंगे कैश फ्लो को ए टू जेड समझेंगे कि कैश फ्लो किस तरीके से बनता है। क्योंकि काफी बच्चों को क्या लगता है कि जब टीचर क्वेश्चन कर रहा है तो हो जाता है, आपसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? उसके पीछे कुछ रीजंस हैं, कुछ बेसिक्स है जो आपको नहीं पता या आप शायद समझते नहीं है। ठीक है, आपको किसी ने बताया नहीं। ठीक है, तो आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का ए टू जेड समझ लेंगे कि प्रैक्टिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे करना है और आप पूरे कैश फ्लो को कर पाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके साथ मीनिंग की, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग आप सभी को पता है, नाम ही बताता है, कैश का फ्लो एक स्टेटमेंट है। आप एक क्या बनाएंगे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे, ठीक है, जो बताएगा, ठीक है, जो शो करेगा। क्या शो करेगा जी? वो शो करेगा फ्लो, फ्लो ऑफ कैश। ठीक है, कैश का फ्लो बताने वाला एक स्टेटमेंट। कैश के फ्लो से मेरा मतलब क्या है? कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहां कहां पर गया, इस तरीके से कुछ बताना है हमें इस स्टेटमेंट में। तो लेमन लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट मींस अ स्टेटमेंट विच शोज फ्लो ऑफ कैश इन अ बिजनेस। ठीक है, कि साल भर में पैसा आपके पास शुरू में 10 रुपए थे और आज जाकर अगर 15 रुपए हैं, तो उसके बीच में जो हुआ उसके कारण ये 15 रुपए कैसे आए। ठीक है ना, हो सकता है 1 लाख रुपए आए, ठीक है, और 1,15,000 रुपए गए, तो 15,000 15 भी माइनस हो जाते। ठीक है, तो बीच में बहुत बड़ी अमाउंट हो सकती है, कैश का काफी ट्रांजेक्शन्स हुए होंगे, काफी कैश रोटेट हुआ होगा, बट एट द एंड जो आपके पास बैलेंस बचा है वो किस रीजंस के कारण बचा है, इस कैश फ्लो स्टेटमेंट से आपको पता लग जाता है। आइए, तो सबसे पहले स्टेटमेंट का अगर मीनिंग आप समझते हैं, नॉर्मली इतना ही मीनिंग समझना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब आते हैं अगली बात, क्लासिफिकेशन पर। सर, क्लासिफिकेशन से क्या कहना चाहते हैं? क्लासिफिकेशन से मैं कहना चाहता हूं, क्या आप समझते हैं इन तीन एक्टिविटीज को? कौन सा? पहला ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में रहेगा, डिटेल इन हर चीज की डिटेल हमने अलग से करा रखी है, बट क्योंकि आज कॉन्सेप्ट समझाना है कि कैश फ्लो किस तरीके से बनता है, क्या रीजंस हैं, कोई चीज प्लस माइनस हो रही है, वो सारी बातें यहां करेंगे आपके साथ। ठीक है, पहला ऑपरेटिंग, दूसरा कोई ऐसा सिक्वेंसिंग का हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप किसी को भी आगे पीछे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। दूसरा हम लिख रहे हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और तीसरा जो हमारे पास है वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या आप इन एक्टिविटीज का मीनिंग समझते हैं? आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने चले गए और आप इन तीनों का मतलब समझते ही नहीं, तो आई डोंट थिंक कि आपको ऐसा करना चाहिए। पहले आपको इन तीनों एक्टिविटीज का मतलब समझना है कि साहब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या होती हैं। अगर आप ये समझ ले तो समझो आपने 50% काम कर लिया अपना। तो आइए इनके बारे में बात करें वन बाय वन। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नाम से ही पता लग रहा है, ऑपरेशंस, जो बिजनेस की डे टू डे ट्रांजेक्शन है, जिनके बगैर बिजनेस चल नहीं सकता। ठीक है, जैसे सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, सैलरी पेमेंट टू स्टाफ, ठीक है, फाइनेंसिंग जो आप करा रहे हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट में कह रहा हूं, आपका जो डिपार्टमेंट बैठा है वो सैलरीज पे कर रहा है, उनकी सैलरी जा रही है, ठीक है, जो कॉस्ट आ रही है, मैं फाइनेंसिंग को यहां नहीं ले रहा था, फाइनेंसिंग अलग है, फाइनेंसिंग से अलग मतलब है मेरा, फाइनेंसिंग से मतलब है बिजनेस को चलाने के लिए जो पैसा आने वाला है वो है फाइनेंसिंग, मैं उसको नहीं लेकर रहा, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा था। ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट है आपका, ठीक है, सेल्स डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, इन सब की जो सैलरीज जा रही हैं, ये जो खर्चे कर रहे हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, ऑपरेशनल कॉस्ट है, हम अपने ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो भी खर्चा कर रहे हैं वो हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट है, और उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज हो गई वो क्या कहलाएंगी जी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कहलाएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया, सेल परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, इसके बाद आप सैलरी ले लीजिए, ठीक है, वेजेस ले लीजिए, आप उसके बाद अपने ऑफिस का रेंट ले लीजिए, ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास, ये हमारे सारे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज अगर आप नहीं ध्यान रख पाते तो मैं आपको शॉर्ट में बताता हूं, आप जब भी अपनी एसेट्स खरीदते हैं, अदर देन करंट एसेट्स, करंट एसेट को मत लाना यहां पर, अदर देन करंट एसेट्स यानी आप कह सकते हैं आपके फिक्स एसेट्स,
फिक्स एसेट्स हैं, और आप इसमें फिक्स एसेट में टेंजिबल भी आ गए और इंटेंजिबल एसेट्स भी आ गए दोनों। जब भी आप इन्हें खरीदते हैं या बेचते हैं या इनके रिलेशन में कुछ होता है तो वो क्या कहलाता है जी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। या फिक्स एसेट के साथ में इन्वेस्टमेंट भी लो आप जी, इन्वेस्टमेंट करते हैं आप कहीं पे, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तो वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कई लोगों को ये डाउट होता है कि सर अब एक हमने बिल्डिंग खरीदी वो इन्वेस्टमेंट कैसा है? बिल्डिंग तो हमने एक एसेट खरीदी है, तो बिजनेस के लिए खरीदी है, खरीदी है। बिल्डिंग के बगैर आप किराए पर बिल्डिंग लेकर भी काम चला सकते थे, बट आपने एक इन्वेस्टमेंट कर दिया। ठीक है, उसका केवल पर्पज आपको ये नहीं है कि आपको बस बेनिफिट देना है, एप्रिसिएशन भी, कैपिटल में भी एप्रिसिएशन होता है उससे। ठीक है, केवल बिजनेस को बेनिफिट नहीं मिलता, बिजनेस को अगर बिल्डिंग चाहिए थी तो रेंट पे भी ले सकता। ठीक है, और उसने खरीद ली बिल्डिंग तो वो इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब बिल्डिंग के रिलेशन में होने वाला खर्चा, जब बिल्डिंग खरीदी मानो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं, वो भी इन्वेस्टिंग में होगा। अब बिल्डिंग बेचेंगे तो गेन होगा, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। बिल्डिंग बेचेंगे लॉस होगा, वो भी इन्वेस्टिंग का पार्ट है। यानी फिक्स एसेट हो, ठीक है, उनके रिलेशन में ऐसे ही इन्वेस्टमेंट आपने कर दिए कहीं पर, आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हैं, ठीक है, आपके पास आइडल फंड पड़े थे, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर खरीद लिए। ध्यान रखना आपका बिजनेस नहीं है, अगर आपका बिजनेस ही है शेयर खरीदना या बेचना, फिर तो वो आपके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई। ठीक है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप समझे, आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया फिक्स एसेट्स में, टेंजिबल में, इनटेंजिबल में। उसके बाद आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, और इनके रिलेशन में जो भी मैं बता रहा हूं उनके रिलेशन में जो चीजें आती हैं वो भी यहीं आएंगी। अब फाइनेंसिंग एक्टिविटी का है, आपको जो पैसा अरेंज करना है वो आपका फाइनेंस है। आप शेयर इशू कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। आप डिबेंचर इशू कर रहे हैं, फाइनेंसिंग है। आप बैंक से लोन ले रहे हैं, चाहे शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं या लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं, वो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है। इनके ऊपर आने वाला डिविडेंड भी फाइनेंसिंग है। शेयर आपने इशू किए हैं तो डिविडेंड आप पे कर रहे हैं, वो भी फाइनेंसिंग है। वहीं डिविडेंड आपको मिला है तो क्या होगा जी? इन्वेस्टमेंट पर मिला है, इसलिए वो इन्वेस्टिंग का पार्ट है। ठीक है, तो इसी तरीके से ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो सबसे पहले आपको इन तीनों को समझ लेना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो मैंने पहला आपके साथ लेमन लैंग्वेज में मीनिंग की बात की, दूसरा हमने बात की कि जी हमारे पास जो एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, ठीक है, क्या किस तरीके से आप क्लासिफाई करते हैं। एक्चुअल में ये तीनों एक्टिविटी हम क्यों समझ रहे हैं, क्या समझना जरूरी है, क्योंकि जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम अपनी एक्टिविटीज को या अपने कैश के फ्लो को इन तीनों एक्टिविटीज में बताते हैं कि ऑपरेटिंग में कितना पैसा आया या फिर गया, इन्वेस्टिंग में कितना पैसा आया या गया, या फिर फाइनेंसिंग में कितना पैसा आया या गया। ठीक है, इसलिए इन तीनों एक्टिविटीज को समझना जरूरी है। कई बच्चों के मन में सवाल आता है कि सर ये तीनों एक्टिविटीज अलग अलग क्यों कर रहे हो, कोई और तरीका नहीं है क्या? इसलिए क्योंकि हमें जो हमारा लॉ है उसने जो कैश फ्लो या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने जो कैश फ्लो दिया है उसे इन तीनों पार्ट्स में क्लासिफाई करके दिया, तो तीनों एक्टिविटीज को समझेंगे तभी तो इनके अंदर चीजें डाल पाएंगे। आपको पता ही नहीं कि इस लॉकर में क्या रखा जाना चाहिए तो आप क्या चीज रखेंगे, आप कुछ भी रख देंगे। लेट सपोज आप अपनी अलमीरा में कपड़े रखते हैं, ठीक है ना, क्लोथ्स वगैरह जो आपके होते हैं, शू रैक में शूज रखते हैं, अलग अलग जगह है ना, आपको पता ही नहीं इसका पर्पस क्या है, तो आप क्या समझेंगे भी। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आना चाहिए, ऑपरेटिंग में क्या क्या आना चाहिए, फाइनेंसिंग में क्या क्या आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। कैसे पता होगा? पहले पता होना ये खुद क्या है। ठीक है, चलिए, तो हमारा एक काम और हो गया, हमने मीनिंग की बात, क्लासिफिकेशन की बात की। इसके बाद आते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। देखिए जो एएस, इसके जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसको रेगुलेट करता है, इसको गाइड करता है AS3 रिवाइज्ड है आज के समय, और बहुत पहले रिवाइज हो गया, तो मैं AS3 बोल दूं या AS3 रिवाइज बोल दूं, रिवाइज जनरली बोलते हैं इसको हम लोग, AS3 रिवाइज्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ने इसे बनाया, हमारी गवर्नमेंट ने इसे अडॉप्ट कर लिया। किस तरीके से किया वो आप पढ़ पढ़ के आए हैं क्लास 11 में कि किस तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लागू किए जाते हैं। चलिए बेसिक पढ़ा है, ज्यादा डिटेल नहीं भी पढ़ा हो तो ज्यादा पैनिक मत करना, टेंशन में मत आना। ठीक है, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थ्री जो है वो दो मेथड बताता है कैश फ्लो बनाने के। एक तो है डायरेक्ट मेथड, ठीक है जी, एक डायरेक्ट मेथड बताता है वो, और दूसरा मेथड है जी इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ये मेथड जो है वो बहुत ही इजी है, मैं लिखूं या नहीं लिखूं मुझे डर भी लगता है, बच्चे कहते हैं फिर इजी क्यों लिख रहे हो इस पर, ये बहुत इजी है। ठीक है, और ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है।
डिफिकल्ट वैसे है नहीं, कंपेरेटिवली उसकी तुलना में डिफिकल्ट है। वैसे बहुत आसान है, मैं बता रहा हूं इनडायरेक्ट मेथड, अभी हम समझेंगे आपके साथ तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। देखो प्रैक्टिस चाहिए, एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई चीज समझ नहीं आएगी। आप जब क्लास फर्स्ट क्लास में गए थे या स्कूल स्टार्ट किया था तो ABCD बड़ी मुश्किल लगती थी, ठीक है, बट आज देखो आप ABCD कहते हैं, ABCD कोई पढ़ाने की चीज है, वो आपको आता है, ठीक है ना। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी जब समझ में आ जाएगा तो बहुत आसान लगेगा। चीजों का डेफिनेशन यही है, मुश्किल और ईजी का। चीज समझ में आ जाए तो आसान हो जाती है, और नहीं आए तो बहुत मुश्किल लगती है, ठीक है। आइए जी, तो अब मैं क्या कह रहा था आगे सुनिए। ये डायरेक्ट मेथड जो है वो बहुत इजी है, और जो इनडायरेक्ट मेथड है वो बहुत बहुत नहीं, कंपेरेटिवली थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। बट सर तो फिर हम ये मेथड क्यों नहीं फॉलो कर लेते? आप जो ये इजी वाला मेथड बता रहे हो कि इजी मेथड है कैश फ्लो बनाने का, हम ये क्यों नहीं बनाते? साहब जो हमारा सिलेबस है ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, सिलेबस में नहीं है, नॉट इन सिलेबस, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है इनडायरेक्ट मेथड, इसलिए हमें इनडायरेक्ट मेथड से कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। बट एक बात, चलो आगे चलते हैं, हम पहले डायरेक्ट की चर्चा कर लें। कई लोगों को लगता है ना कि सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्यों इजी है क्यों मुश्किल है, तो सुनो ध्यान से। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड से बनाएं तो किस तरीके से बनाएंगे, देखिए मैं यहां पे एक पेज ले लूं, जरा यहां आइए मेरे साथ, एक कॉपी कर लें इसको क्योंकि मुझे फॉर्मेट चाहिएगा। ये लीजिए, हम यहां ले लेते हैं इसको, ठीक है। यहां देखिए मैंने थोड़ा ये नाम मैं चेंज कर दूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट समझिए आप इसको, मैं चेंज करता हूं, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट नाम रखते हैं इसका हम, कैश फ्लो, ठीक है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो आप कैसे बनाते थे? सबसे पहले काम क्या होता है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे, ठीक है जी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालेंगे। और डायरेक्ट मेथड की बात करता हूं, मैं लिख देता हूं साफ साफ, हम कौन से मेथड को डिस्कस कर रहे हैं, डायरेक्ट मेथड जो आपके सिलेबस में नहीं है। बस मुझे थोड़ा सा बताना है, बता देते हैं, आप बार बार तो आपने देखना नहीं है, पता तो लग जाए डायरेक्ट मेथड क्या है। सुनो, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आप क्या करेंगे, देखो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, आप कैश का फ्लो, आपने जो सैलरीज पे की है वो माइनस लिख देना, सैलरीज पेड, ध्यान देखना, एक्रूड मत लिख देना, यानी पैसा गया जो ऑपरेशंस में वो माइनस में लिखो, ठीक है। उसके बाद सेल्स, सेल्स कैश वाली लिख देना प्लस में, ये प्लस हो जाएगी यहां पे, ठीक है। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स प्लस कर देना, आपको पता है यानी जहां जहां ऑपरेशंस के कारण पैसा आ रहा है वो प्लस कर देना, जहां जा रहा है माइनस कर देना। कैश परचेजेस, परचेजेस माइनस कर देना। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स माइनस कर देना, समझ रहे, उस तरह से और भी जो एक्सपेंसेस हो, ठीक है, ऑपरेशनल इनकम होगी तो ऐड कर देना, ऑपरेशनल एक्सपेंसेस होंगे माइनस कर देना, ऐसे ही टैक्स पेड आ जाएगा, टैक्स पेड आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा जी आपके पास, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस आ जाएगा या ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा, ठीक है जी, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आ जाएगा आपके पास ये, ठीक है, पहला काम हो गया। इसके बाद इन्वेस्टिंग पर आएंगे, इन्वेस्टिंग पर चले अगर हम, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, तो देखो इजी हो गया। एक्चुअल में मैं एक और चीज भी बता दूं आपको कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड है ना उसमें जो डिफरेंट है, इन दोनों में अगर अंतर की बात करें तो केवल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करने का तरीका डिफरेंट है, बाकी इन्वेस्टिंग वैसे ही किया जाता है दोनों मेथड में, फाइनेंसिंग भी वैसे ही किया जाता है। सर मुश्किल तो ऑपरेटिंग ही है भाई, मुश्किल इसीलिए लगता है ऑपरेटिंग क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड का तरीका अलग है डायरेक्ट से। इन्वेस्टिंग में दिक्कत नहीं आती आपको, इन्वेस्टिंग जैसे आप इनडायरेक्ट में करेंगे वैसे ही डायरेक्ट में भी करते हैं, जैसे डायरेक्ट में करते हैं वैसे इनडायरेक्ट में भी करते हैं, यानी वैसा वैसा दोनों सेम है। देखो जैसे इन्वेस्टमेंट की बात करूं, बिल्डिंग परचेज्ड, बिल्डिंग परचेज्ड फॉर कैश,
नगद में खरीदा तो भी तो माइनस करोगे, पैसा गया माइनस कर दो। उसके बाद फर्नीचर सोल्ड, फर्नीचर आपने बेच दिया, एक मिनट, फर्नीचर सोल्ड फॉर कैश, ठीक है, प्लस कर देना, ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद गेन हो गया, मानो गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, आपको गेन हुआ, जो भी गेन हुआ यहां प्लस कर देना, ठीक है। यानी यहां इन्वेस्टिंग में जो पैसा आ रहा है प्लस कर रहे हो, जो जाएगा माइनस कर दोगे। डिविडेंड रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव्ड है, प्लस कर दिया आपने जी। इंटरेस्ट रिसीव्ड है, प्लस कर दिया आपने। और इस तरीके से जितनी भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, अगर आप आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आपको पता लगाना आ गया है कि कौन से ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग और कौन सी फाइनेंसिंग है, तो आपको इजी हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट कैश फ्लो के फॉर्मेट से भी पहले है आइडेंटिफिकेशन, की तीनों एक्टिविटीज में आइडेंटिफिकेशन कर पाए आप, ठीक है। इससे आपके पास क्या आ गया जी, कैश फ्लो या कैश फ्रॉम, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। सर ये हमेशा कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग बता रहे हो आप। देखो अगर पॉजिटिव में आता है ना तो कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखो, और नेगेटिव में आ गया अमाउंट तो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख देना। यानी ये पैसा लग गया या आया नहीं, हमने लगा दिया, नेगेटिव हो गया। आपस में फिर तीनों प्लस होंगे, ऑपरेटिंग भी प्लस होगा, इन्वेस्टिंग भी प्लस होगा, और ऐसे ही फाइनेंसिंग भी प्लस होगा, ठीक है। मैं फाइनेंसिंग करके दिखाऊंगा, समझ जाओगे पक्का, ठीक है। तो चलो फिर भी मेरा मन कर रहा है, मैं लिख देता हूं। अगला क्या करो आप, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जैसे एग्जांपल ले रहे हैं कुछ हम, जैसे इश्यू ऑफ शेयर्स या फिर डिबेंचर्स ले लो, उसका भी सेम ट्रीटमेंट है, या बैंक लोन ले लो, बैंक से लोन लिया है, ठीक है। इन सब में क्या है, पैसा आया है तो प्लस कर दोगे आप इसे यहां इन्वेस्ट फाइनेंसिंग में। ऐसे ही डिविडेंड पेड, डिविडेंड आपने इन पर पे किया है, डिविडेंड पेड किया या फिर इंटरेस्ट पे किया है आपने, तो वो भी क्या है, पैसा गया, यहां पर पैसा आया था, डिविडेंड पे करने पर पैसा चला गया। ऐसे ही रीपेमेंट कर दिया आपने, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, बैंक लोन जो लिया था वो वापस चुका दिया, तो पैसा चला गया, माइनस में लिख दो। ऐसे ही बायबैक ऑफ, ये बायबैक है, सॉरी मैं सही से लिखता हूं, बाय बैक ऑफ शेयर्स, ठीक है, पैसा गया, शेयर्स आपने वापस खरीद लिए लोगों से तो पैसा गया। इसके बाद आइए, इसके बाद और भी हैं चीजें हमारे पास काफी, यहां देखिए और एग्जाम्पल क्या लें। मेरे ख्याल से आप एग्जाम्पल समझ रहे हैं ना, तो इस तरीके से आपके पास तीनों एक्टिविटीज का पैसा आ गया, ठीक है। अब अगला काम क्या होता है, इसके बाद अगला काम वही है, देखिए आप क्या करेंगे, तीनों एक्टिविटीज का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये लास्ट स्टेप है, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। अगर नेगेटिव में है तो नेगेटिव में लिखिएगा। आपके पास वो तीनों आ गए, लेट सपोज ये तीनों आपने नोट डाउन कर लिए, लेट सपोज ये 100 रुपए आया, ये 200 आया और ये 300 रुपए आया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है जी, इन तीनों को तो प्लस करना ही है। इसके बाद प्लस करो ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो ओपनिंग बैलेंस थे, लेट सपोज 1000 रुपए ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है, लिख लिया। ये बराबर होना चाहिए, चेक करना है आपको, ये बराबर होना चाहिए किसके, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। कितना हो जाएगा जी हमारे पास, कितना आना चाहिए आप निकालेंगे, फिर आप वहां पे क्वेश्चन में देख लेना, अगर कैश का बैलेंस दिया होगा तो उससे टैली कर रहा है तो आपका आंसर सही है। तो ये हमारे पास कितना हो गया जी, 1500, 1600, लेट सपोज 1600 रुपए आया, तो 1600 रुपए अगर वहां पर क्वेश्चन में भी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दे रखा है 1600 है, तो आप एश्योर्ड हो सकते हैं कि आपका आंसर सही है। सर ये तो डायरेक्ट मेथड था, ये तो हमारे सिलेबस में ही नहीं है, तो मैंने क्या कहा, ध्यान से सुनो, ये जो दो पार्ट है,
ये इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, और ये नीचे वाला पार्ट जो अभी हमने ये जो क्रॉस चेक किया है, जो फॉर्मेट का पार्ट ही, ये भी करना होता है आपका, कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट है, ये दोनों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में सेम है। तो सर दिक्कत आ गई हमें तो, ये हमें इनडायरेक्ट वाला आएगा तो इनडायरेक्ट वाला समझाओ हमें तो, आओ समझो ध्यान से मेरे साथ। अगर इनडायरेक्ट मेथड की बात करें तो वहां पर कुछ डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्या है उस पर चले हम लोग। यहां आइए, ये मैं आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड बताता हूं, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं हम लोग, और मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से। इसके पीछे के रीजन और लॉजिक बताते हैं कि यहां पर ऐसा अलग से क्यों हो रहा है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड, क्योंकि आपने बताना क्या है, फ्लो, कैश का फ्लो, पैसा कहां से आया कहां गया, ये सभी तो बताना है, वो हमने डायरेक्ट मेथड में भी सीखा। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग तो इजी लगता है, ऑपरेटिंग परेशान करता है। तो सुनो जी, ऑपरेटिंग का मैं पहले फॉर्मेट लिख दूं, फिर आगे बातें करेंगे। देखिए, आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहां पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, प्रॉफिट बिफोर आप टैक्स लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आप क्या करते हैं, इसमें एडजस्टमेंट करते हैं, प्लस माइनस। एडजस्टमेंट का मतलब क्या हो गया, तो प्लस करेंगे या माइनस करेंगे, आप करते हैं एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये क्या कर रहे हैं और इससे क्या निकल कर आ रहा है, मुझे ये बताना है आपको। कैश फ्लो फ्रॉम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को आप एडजस्ट करते हैं, क्यों करते हैं इसका रीजन बताऊंगा मैं। इसके एग्जाम्पल आप कहें तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख दूं आपके सामने यहां पर, जैसे डेप्रिसिएशन, गुडविल, रिटर्न ऑफ, गेन ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, और क्या लिख सकते हैं, और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ठीक है। ये एग्जाम्पल मैंने लिख लिए, कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये, ठीक है। अब इन एग्जाम्पल्स को क्वेश्चन में डिपेंड करेगा ना एग्जाम, जरूरी नहीं ये चार चीजें हो, कुछ भी हो सकता है, तो आपको उसका नेचर पता होना चाहिए, ये क्या इनमें से जो चीजें हैं वो क्या हैं, ठीक है, या क्या चीजें यहां एडजस्ट होने वाली हैं, ये हम चर्चा करेंगे। अच्छा, इन्हें एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। वर्किंग कैपिटल के चेंज से पहले का प्रॉफिट आ गया, यानी यहां पर कोई अमाउंट था आपके पास, उसके बाद यहां एडजस्टमेंट्स हुए, और इन सबको ऐड करने के बाद यहां आपके पास क्या आ गया जी, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज आ गया। अब वर्किंग कैपिटल चेंज को आप एडजस्ट करते हैं, ठीक है। वर्किंग कैपिटल चेंज को जब आप एडजस्ट करते हैं तो वहां क्या क्या चीजें होती हैं उन्हें लिखते हैं। देखिए, यहां पर एक्चुअल में वर्किंग कैपिटल चेंज से रिलेटेड चीजें आएंगी, पर जब हम वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं करेंट एसेट्स और लाइबिलिटीज की। उसमें से कुछ चीजें, एक तो कैश या बैंक का बैलेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट, इन तीन चीजों को छोड़कर बाकी सारी करंट एसेट लायबिलिटी यहां आती हैं, ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए जनरल बताता हूं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, ठीक है। ये बच्चों के रटने वालों के लिए भी मैं लिख देता हूं इसको, क्योंकि उन्हें भी काफी यूज़र मांगते हैं वो लोग काफी बार में से कि भैया ये बताओ कि कैसे होगा ये। आइए, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, मैंने चारों केसेस लिख दिए। ध्यान देना यहां क्या नहीं आएगा, मैं लिख देता हूं इस बात को भी, यहां लिखूं मैं इस, ये इस एरिया के लिए नोट है, मैं यहां लिख दूं इस नोट को, यहां ध्यान रखिएगा, एक नोट है यहां के लिए, क्या, डू नॉट कंसिडर फॉलोइंग हियर, यहां पे इन चीजों को कंसिडर मत करो। क्या क्या चीजें,
कैश का बैलेंस जो है, बैंक बैलेंस या फिर बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट ठीक है, चलिए मैं अभी बता दूंगा क्यों नहीं कंसिडर करो, ये मैंने इसलिए अभी रोका हुआ है, आगे चलें। अच्छा, ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है जी? हमारे पास आ जाता है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, थोड़ा संयम रखिएगा, थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है, मतलब हैव अ पेशेंस, मैं सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूं, अभी बीच में रोकिए मत, आप एंड तक रोक, एक बार मेरे साथ चलो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं पहले लिख रहा हूं, अदरवाइज मैं कई बार करता हूं, पहले समझा भी देता हूं, बट पहले लिख रहा हूं ताकि हर चीज को एक बार फिर मिस नहीं होगी कोई चीज, लिख लूंगा तो ठीक है ना। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस टैक्स पेड, ठीक है, ये क्या आ गया जी? ये आ गया हमारे पास कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आइए जी, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब आइए वन बाय वन आपके एक एक सवाल का जवाब देते हैं। पहला, सबसे पहला सवाल जो होना चाहिए, सर हमने ये कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड में ऑपरेटिंग बनाते समय प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट क्यों किया है? ठीक है, मैं समझता हूं बिल्कुल आपकी समस्या है। देखो नाम समझो पहले, तो इनडायरेक्ट मेथड है, डायरेक्टली काम ही नहीं करना, कान सीधे पकड़ सकते हैं, पर उन्हें कहता नहीं ऐसे नहीं, उल्टा पकड़ना है, यानी उल्टे तरीके से काम करवा रहा है वो। तो सुनो मेरे साथ ध्यान से, एक बात यहां समझना, मैं इसे नोट्स में नहीं दूंगा, केवल समझाने में ला रहा हूं इसको मैं, ठीक है ना, समझो जी। लेट्स सपोज एक सिचुएशन है, लेट्स सपोज आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, और आप बिगिनिंग में 100 रुपए लगा रहे हैं कैपिटल। बिगिनिंग में आपने कैपिटल लगाई, आपने जितने भी परचेजेस की कैश में की, जितनी भी सेल्स की कैश में की, ठीक है, ठीक है, ध्यान सुनना, जितनी भी परचेज की सेल्स की, जितने भी एक्सपेंसेस किए कैश में किए, ठीक है, जितनी भी और इनकम्स हुई वो भी कैश में हुई, ठीक है जी। चलिए रुक जाइए, अब यहां पर, यहां जो एंड में आएगा आपके पास, एंड में जो आएगा, जो भी आएगा, ये जो क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश ही कहलाएगा ये, ठीक है भाई, सब कुछ कैश में हो रहा है ना, इतना लगाया था फिर आता गया जाता गया, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश कहलाएगा। एज्यूम कर लेना, यहां एक एजम्पशन लेना, एज्यूम नथिंग लेफ्ट एट एंड एक्सेप्ट कैश, एक्सेप्ट कैश, कैश या बैंक बैलेंस के अलावा कुछ बचा नहीं है एंड में, ठीक है। तो हमने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया, बिगनिंग में हमने पैसा लगाया, उसके बाद ड्यूरिंग द ईयर, ये ड्यूरिंग द ईयर हो रही है चीजें, ड्यूरिंग ईयर आपने परचेजेस भी कैश में की, सेल्स भी कैश में की, सारे एक्सपेंसेस कैश में, सारी इनकम कैश में आई। और एक एजम्पशन यहां, जब मैं क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश इसे लिखा तो मैंने क्या एजम्पशन लिखी इसके लिए, मैंने एजम्पशन लिखा कि एज्यूम करो कि कुछ भी नहीं बचा एक्सेप्ट कैश, यानी अगर कोई आपने बिल्डिंग गलती से खरीद ली थी वो बेच दी है, ठीक है, परचेज जितनी की थी सारी बिक गई है, इन्वेस्ट कोई इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोजिंग बचा है माइनस ओपनिंग कैपिटल जो आपने शुरू में लगाए थे 100 रुपए, ये 100 रुपए अगर माइनस कर दो तो ये आपका प्रॉफिट नहीं कहलाना चाहिए, आप खुद सोचो ये आपका प्रॉफिट कहलाना चाहिए या नहीं कहलाना चाहिए, पहली बात, ठीक है, प्रॉफिट कहलाना चाहिए ना, बिल्कुल कहलाना चाहिए। सर मैं समझ लेता हूं इस बात को, वी एग्रीड, हम इस बात से सहमत हो गए, बट हम क्यों स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से? देखो मान लेते हैं हमसे गलती हो गई, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लिया, और गलती नहीं हुई रियलिटी में, लॉजिक है, सभी बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होगा उसके पीछे। तो हमने अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लिया और हमें करना क्या है, देखो पहली बात ध्यान से सुनना, हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लिया और यहां पर काफी चीजें हैं
हम एक तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरा हमें बनाना क्या है, हमें बनाना है कैश का फ्लो बताना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। ठीक है सर, आपने ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लिया, इसके बारे में हम ये भी बात करेंगे कि ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाली बात है, ठीक है ना, ये क्यों आएगी, इस पर बात करेंगे, या प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकाला जाता है, इस पर भी हमें चर्चा करनी है। बट पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट कर लें, ठीक है, या आप कहें तो मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की चीज भी पहले ही बता दूं। चलो एक काम करते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स को भी लेकर आओ ध्यान से, ठीक है, और उसके साथ में मुझे एक चीज और भी बतानी है आपको, ठीक है, तो मैं साथ साथ चीजें बताऊं दोनों। पहले मैं आपको क्लास 11th पर ले चलता हूं। देखिए जी, ये आ गए क्लास 11th में, याद हो आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे क्लास 11th में आप लोग, ठीक है, क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। यहां सब कुछ है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से जो स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, वहां सब कुछ है, क्योंकि ये ट्रेडिंग के बाद पीएनएल से ही तो प्रॉफिट निकल कर आता था। यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हैं, ठीक है, ट्रेडिंग और पीएनएल में मिलाकर बोल रहा हूं मैं, ठीक है, ट्रेडिंग पीएनएल में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी हैं, इन्वेस्टिंग भी हैं, एक्टिविटीज भी हैं, और फाइनेंसिंग भी हैं। सर तीनों है इसमें? हाँ बिल्कुल तीनों है, मैं चेक करा देता हूं। ये देखो आओ, ये ऑपरेटिंग है जी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑपरेटिंग है। ये देखो, ये नॉन ट्रेडिंग इनकम है, यानी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी हो गई जी, इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, ठीक है, उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, इन्वेस्टिंग है, इंश्योरेंस क्लेम ऑपरेटिंग तो नहीं है ना जी, एबनॉर्मल है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स बोल देते हैं हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स बोलते हैं इन्हें हम, ठीक है। इसके अलावा और देखो यहां, ये देखो फाइनेंस एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑपरेटिंग है क्या? नहीं है। बैंक चार्जेस नहीं है, लीगल चार्जेस फॉर अरेंजिंग लोन नहीं है, सब फाइनेंसिंग है, डिस्काउंट एंड रिबेट ऑन बिल फाइनेंसिंग की चीजें हैं ये, ठीक है। तो समझो आपका जो पीएनएल है, ट्रेडिंग पीएनएल जो आपका है, ठीक है, बोलते तो पीएनएल ही है उसे, उस पीएनएल में क्लास 11th में याद करो तो उस पीएनएल के अंदर ट्रेडिंग से स्टार्ट करके पीएनएल के एंड तक आपके पीएनएल में ऑपरेटिंग इनकम और एक्सपेंसेस के साथ साथ और भी इनकम और एक्सपेंसेस होते थे, ऑपरेटिंग के अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी होते थे, याद है? पक्का रिकॉल कर लीजिए ध्यान से क्लास 11th को, इसीलिए मैंने कुछ ये टिक करके दिखाया आपको। अच्छा सुनिए, एक बात तो मुझे ये बतानी थी क्लास 11th से आपको, अब मैं दोबारा आपको ले चलता हूं अपनी मेन स्लाइड पर, यहां आइए, ठीक है, ये तो बात, ये बात यहां काम आएगी अभी आपको। यहां मैंने दो चीजें मार्क की है ना, ये नॉन कैश, अच्छा नॉन कैश को भूल गया मैं बार बार, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पर ही रह गया। ये भी बात मुझे बतानी है आपको कि हमारे पीएनएल में नॉन कैश आइटम्स भी होती थी, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब क्या है? नॉन कैश चीजें हैं, ठीक है, ट्रांसफर टू रिजर्व अप्रोप्रिएशन कह लीजिए आप चाहे, बट ट्रांसफर टू रिजर्व नॉन कैश भी आप कहते हैं क्योंकि उससे पैसा नहीं जा रहा, केवल ट्रांसफर हुआ है। अब आइए वापस मेरे साथ, ध्यान से देखिए, आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, कैलकुलेशन कर रहे हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमें कैसे निकलेगा? हमें जब इंफॉर्मेशन गिवन होती है, या तो हमें वो देता है कि ये प्रॉफिट है आफ्टर एडजस्टिंग फॉलोइंग, या फिर हमें दो बैलेंस शीट के प्रॉफिट पीएल के बैलेंस दिए होते हैं, दो बैलेंस शीट का डेटा होता है, उसमें दोनों सालों के पीएल के बैलेंस हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हम कहेंगे वो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है बैलेंस शीट में इस ईयर में, जो डिफरेंस है। तो हम जनरली स्टार्ट करते हैं या तो डिफरेंस ऑफ पीएनएल बिटवीन टू बैलेंस शीट्स, या तो हमें ये गिवन होता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट गिवन आफ्टर एडजस्टमेंट्स है,
ठीक है, इन दोनों में से कोई एक चीज गिवन होती है। अब हमें इसी से स्टार्ट करना होता है, और जिससे स्टार्ट करते हैं तो जब एडजस्टमेंट करने जाते हैं ना, यानी प्लस माइनस करने जाएंगे, तो हमें देखना होता है यहां पर एप्रोप्रिएशंस कौन कौन सी हैं, एप्रोप्रिएशंस कौन कौन सी हैं। ठीक है, एप्रोप्रिएशन से मेरा मतलब क्या है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स आ गए, ठीक है ना, एप्रोप्रिएशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स ले लीजिए आप, ठीक है, आपने प्रॉफिट में से ये घटाने के बाद, प्रोविजन फॉर टैक्स हटाने के बाद, ट्रांसफर टू रिजर्व हटाने के बाद, डिविडेंड एप्रोप्रिएशन है ना, डिविडेंड को एप्रोप्रिएट कर दिया, डिविडेंड दे दिया, प्रपोज डिविडेंड जिसे लेके दिया था, ठीक है, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड पिछले साल की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब ट्रीटमेंट बदल चुका है प्रपोज डिविडेंड का। पिछले साल तो काफी झगड़ा भी रहा था इसके ऊपर कि क्या करें, एट द एंड बच्चों को ज्यादा परेशानी हुई थी, टीचर्स तो बेचारे कहते थे ठीक है ऐसा कर लो ऐसा कर लो, बच्चा कहता था कुछ समझ नहीं आया क्या करना है। ठीक है, एनीवेज इस बार हम सारी डिस्कशन करेंगे, क्योंकि एक एक क्वेश्चन करने वाले हैं आपके साथ, तो हर क्वेश्चन में जो भी इंपॉर्टेंट आएगी आइटम, ठीक है, उन सबको हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, चलिए, तो मैं क्या कह रहा था, आपके पास जो भी आपकी अप्रोप्रिएशन वगैरह हैं यहां एडजस्ट कर दो, ध्यान देना अप्रोप्रिएशन को एडजस्ट कर दो, क्योंकि इनके ये जो हैं हमारे प्रॉफिट को तो कम कर रही है, पर ये ऑपरेटिंग के पार्ट नहीं है, ये अप्रोप्रिएशन क्यों कर रहे हैं, ये तो देखो पैसा ही नहीं गया इसके कारण, तो प्रपोज डिविडेंड या इंटरिम डिविडेंड है, इसके कारण पैसा गया भी है तो फाइनेंसिंग में गया है, यहां नहीं गया। ठीक है, तो आपके पास यहां जो आइटम आती है क्या बचती है, पीबीटी। ठीक है, ये पीबीटी बचती है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बचता है। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे ही आपके पास आ गया, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट जैसे ही नेट प्रॉफिट निकलता है आपके पीएनएल से, उसके बाद बैलेंस शीट, क्लास इलेवंथ में तो ऐसा होता था नेट प्रॉफिट सीधा बैलेंस शीट में चला जाता था, बट आगे चल के जब कंपनीज में जाते हैं आप, कंपनीज के अंदर आपका जो प्रॉफिट है वो बैलेंस शीट में जाने से पहले, वो नेट प्रॉफिट बैलेंस शीट में जाने से पहले उसमें एप्रोप्रिएशंस होते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व्स हो गया, डिविडेंड देना, यानी प्रॉफिट का बंटवारा होता है, और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचता है वो जाके कहीं बैलेंस शीट में जाता है। इसीलिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए कैलकुलेशन करनी पड़ी, जो हमने अभी बात की आपके साथ। ठीक है, ये अभी वैसे हम आगे भी इसकी चर्चा करते रहेंगे, हर क्लास में जब क्वेश्चंस करेंगे उनके सॉल्यूशन करेंगे वहां भी इसे डिटेल में देखेंगे। अच्छा, वापस आइए मेरे साथ यहां। अब मैं कहता हूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया आपने, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसे ही निकाला, मैंने कहा क्या, मैंने कहा जी ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स से हमें स्टार्ट करना है, इनडायरेक्ट मेथड है, और मैंने यहां आपको एक बात बताई थी कि आप सिचुएशन एज्यूम करो, ये वाली ये सिचुएशन एज्यूम करो कि हमारे पास शुरू में 100 रुपए हमने लगाए थे बिजनेस में, और जितना सब पैसा लगाया जो इन्वेस्ट किया, उसके बाद सेल परचेज किए, जो एक्सपेंसेस किए, जो इनकम हुई, सब कुछ कैश में है, अंत में कुछ बचा नहीं है, तो साल के अंत में अगर जो ओपनिंग कैपिटल लगाई थी आपने, इसे आप माइनस कर दो तो आपके पास ये प्रॉफिट ही तो होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, बट हमारे यहां जो रियल लाइफ सिचुएशन है वहां ऐसा नहीं होता, वहां प्रॉफिट के अंदर जो हमारा प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कह लो या नॉर्मल प्रॉफिट कह लो, उसमें ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग भी है, नॉन कैश भी है, चारों चीजें हैं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग वगैरह भी हैं, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो मैंने कहा एक काम करते हैं जी, हम उसमें से प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो आया है हमारा, देखो कुछ चीजें तो पहले हटा दी, जो बैलेंस शीट के डिफरेंस लिया था उसमें से हटा दी, जो बच गई चीजें उनमें से क्या क्या नॉन कैश आइटम हटाओ। क्यों हटाओ नॉन कैश आइटम्स को, क्योंकि इनके कारण कैश गया ही नहीं, या इनके कारण कैश आया ही नहीं है, ना तो इनके कारण कैश गया है ना कैश आया है, तो इनका यहां पर क्या काम है, क्योंकि हमें निकालना क्या है, हमें कैश का फ्लो निकालना है। ध्यान देखो, जब कैश का फ्लो निकालना है आपने, तो आप नॉन कैश आइटम्स को क्यों ले रहे हो, यहां पर नॉन कैश आइटम्स को यहां पर मत लो। ठीक है, उसके बाद पहली बात तो नॉन कैश आइटम्स को क्यों मत लो, क्योंकि कैश का फ्लो चाहिए, नॉन कैश को हटाओ। उसके बाद दूसरी, सर हमें ऑपरेटिंग का कैश फ्लो निकालना है, तो मैं कहा ऑपरेटिंग का निकालना है तो फिर नॉन ऑपरेटिंग को हटाओ, इसलिए मैंने नॉन ऑपरेटिंग को भी हटाने को बोला। आपको समझ में आया क्यों नॉन ऑपरेटिंग और क्यों नॉन कैश हटाया जा रहा है। ठीक है, अब जब नॉन ऑपरेटिंग की बात करता हूं तो इसमें दोनों है,
इन्वेस्टिंग भी हो गई, फाइनेंसिंग भी हो गई, सब हटेंगी। नॉन ऑपरेटिंग है ना जी, तो दोनों हटेंगी, क्योंकि हमारे प्रॉफिट में ऑपरेटिंग भी है, इन्वेस्टिंग भी है, फाइनेंसिंग है, या इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है, ठीक है, एबनॉर्मल जिसे आप बोल देते हैं, एबनॉर्मल बोलो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोलो, वो भी हटेगी। ठीक है, चलिए अब हटाते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने कहा देखो डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश है साहब, पैसा थोड़ी ना गया, पैसा तो गया ही नहीं, तो कैश तो कम हुआ नहीं, तो उसे एडबैक कर दो प्रॉफिट में ताकि आप रियल कैश पर आ पाए। एडबैक कर दिया मैंने, इसे हमने क्या किया प्लस कर दिया। गुडविल रिटर्न ऑफ, इसके कारण भी पैसा नहीं गया, इसे भी एडबैक करो, प्लस कर दो, नॉन कैश है। ठीक है, गेन्स ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग, ये तो सर इन्वेस्टिंग है, बिल्डिंग पर गेन हुआ है, तो ये भी यहां से हटाओ, ये प्लस हो रखा है इसलिए माइनस करो। इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये भी इन्वेस्टिंग है सर, इसे भी हटाओ, यहां से पैसा आया है बट यहां का ऑपरेटिंग का नहीं है इसलिए हटाओ। तो इन्हें एडजस्ट करने के बाद, इन चीज इस तरह की चीजों को एडजस्ट करने के बाद हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। सर ये क्या आ गया बेटा, ध्यान से सुनो, हमने कहा हमारे पास सब कुछ कैश में नहीं है, इसलिए हमारे पास कुछ चीजें हैं जो, वो क्या है, डेटर्स क्रेडिटर्स, समझ गए ना, डेटर क्रेडिटर, वहां पर भी तो पैसा ब्लॉक हो सकता है या पैसा उनसे आया होता है, वो आप यहां वर्किंग कैपिटल चेंजेस में दिखाते हैं। वर्किंग कैपिटल चेंजेस में अब यहां क्या होता है सुनो, इंक्रीज हुआ है करंट एसेट में, यानी पैसा ब्लॉक हुआ होगा, माइनस कर दो। इंक्रीज हुआ है करंट लायबिलिटीज, यानी पैसा नहीं दिया होगा, पैसा बच गया होगा, प्लस कर दो। ठीक है, डिक्रीज हुआ है करंट एसेट में, करंट एसेट कम हुई है तो पैसा आया होगा ना उनसे, प्लस करो। डिक्रीज हुई है करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज डिक्रीज हुई है, कम हो गई यानी पैसा उनसे मिल गया होगा, सॉरी डिक्रीज हुई है करंट लायबिलिटीज तो पैसा उनको दिया होगा, माइनस कर दो। सर यहां पे आपने एक नोट लिखवाया था साहब, इन्हें मत लेना, क्यों, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कैश ही है, इसे ही लेके क्या करोगे, बैंक बैलेंस भी कैश के बराबर है और बैंक ओवरड्राफ्ट साहब फाइनेंसिंग है, क्या है जी ये फाइनेंसिंग है, इसलिए फाइनेंसिंग में जाता है, यहां नहीं लिखा जाता। तो करंट जो करंट एसेट लायबिलिटी है उनमें इन तीन चीजों को नहीं लेना। इसके बाद जल्दी से आ गया ये है यहां पे, अब इन्हें एडजस्टमेंट करने के बाद क्या आ गया, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ऑपरेशन से ये कैश जनरेट किया है हमने, इसमें से टैक्स पेड तो देखो ऑपरेटिंग में लेते हैं हम लोग, जो आपने टैक्स पे किया है बिजनेस का, वो टैक्स पेड जो है, इनकम टैक्स बोल देते हैं जनरली हम, वो टैक्स पेड तो माइनस करो, और वो टैक्स पेड करने के बाद हम कहते हैं जी ये आया है फाइनली हमारा ऑपरेटिंग का कैश फ्लो। तो ये कॉन्सेप्ट है कैश फ्लो स्टेटमेंट के पीछे, बट मैं अगेन कहता हूं जरूरी नहीं हर बच्चे को ये कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया, जिन्हें नहीं आया थोड़ा सा पेशेंस रखो, और जब हम क्वेश्चंस कराते हैं हर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, प्लस हमारे लिखने के अलावा हम कुछ चीजें बोलते भी हैं, क्योंकि हर चीज नहीं लिख पाते, तो जो हम बोल रहे हैं उसे भी समझने की कोशिश करो कि हम किसी पर्टिकुलर आइटम का क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं। और आपके यहाँ पे कैश फ्लो में काफी चीजें हैं जिनका ट्रीटमेंट करना है, तो वन बाय वन हम सभी आइटम्स को, सभी एडजस्टमेंट्स को कराएंगे, इन इनकॉर्पोरेटिंग इन क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चंस के जो सॉल्यूशन कराएंगे उनमें उनको एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे, यानी कैसे ट्रीट करना है। तो ये बिल्कुल भी नया चैप्टर नहीं है या नया कॉन्सेप्ट नहीं है, सारा 11th क्लास से उठा है, कुछ तड़का लग गया क्लास 12th में, बेसिक्स ही है दोनों ही, और उसी से कैश फ्लो बना है। तो बिल्कुल पैनिक में मत आओ, आसान है, थोड़ा सा अपने आप पर बिलीव करो, विश्वास रखो, हो जाएगा, थोड़ा सा नई चीज है ना इसलिए मुश्किल लगता है, ठीक है, पुराना हो जाएगा तो अब आप भी कहेंगे कैश फ्लो तो आराम से हो जाता है, जब आपके जूनियर्स आएंगे ना वो अपने यही कहने वाले हैं। चलिए एनीवेज, थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर अ लॉन्ग, नाउ आई टेक अ लीव, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट यू विल बी गेटिंग रेगुलर अलर्ट्स जो भी हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। एंड वन मोर को इंपॉर्टेंट थिंग, आप हमारे कंप्लीट वीडियोस, कंप्लीट कोर्स के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप पर आ सकते हैं, हमारे ऐप का नाम है कॉमर्स मंत्रास, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में आपको हम लिंक भी दे देंगे उसका, आप डाउनलोड कर सकते हैं वहां से, या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर आप लोगों के पास है, नीचे डिस्प्ले होता रहता है स्क्रीन पर, वो आप हमें वहां भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाय बाय, टेक केयर।